Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Ranch Simulator. तो guys, जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि ये एक नई शुरुआत है हमारे न्यू रेंच में, जहां पे चारों तरफ कुछ भी नहीं है, बस घने जंगल है. काफी ज्यादा प्यारा सा नजारा है. बट हाँ यार, कुछ टाइम पहले हमारे पास इतना बड़ा बार्न हाउस हुआ करता था, जिसके अंदर हम लोग अपने एनिमल्स पालते थे और उनको बड़ा करके फिर उन्हें मार के बेचते थे, और चिकन्स हमने पाल रखे थे जिससे मुझे एग मिलते थे. यानी हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था. बट हाँ, जैसे मैप चेंज हुआ, सारी की सारी जगह पूरी चेंज हो चुकी है और अभी हमें वो सब काम ना दोबारा करना पड़ेगा. अपनी ग्रैंडपा का हाउस है सामने, जो कि काफी ज्यादा पुराना सा है, घटिया सा है, और उनकी लास्ट विश यही थी कि हमें इस हाउस को रिपेयर करना है, तो मैं इसे तोड़ के दोबारा से रिपेयर करूंगा. बट मैं पता है क्या सोच रहा हूं कि सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि इस गेम में ना पैसों की बहुत ज्यादा कमी होती है, और अगर हमें इस घर को बनाना है ना, तो हमें उसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा. हमारे ग्रैंडपा ने हमें $750 दे रखे हैं, उन्होंने हमारे लिए छोड़े थे कि तुम मेरी लास्ट विश पूरी कर देना, और फिर उसके बाद वो गुजर गए. तो अभी मैं पता क्या सोच रहा हूं कि उन $750 का ना हम लोग अपनी ग्रैंडपा का हाउस नहीं रिपेयर करते हैं, हम लोग ना एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं अभी से ही. यानी कि मैं सोच रहा हूं थोड़े बहुत ना पिग ले आता हूं, उनके लिए थोड़ा बहुत खाना ले आऊंगा. मेल फीमेल पिग रहेंगे तो मुझे उनसे और पिग मिलेंगे, और जब वो बड़े होंगे तो उन्हें मैं मार के बेच सकता हूं, तो अपने पास धीरे धीरे करके पैसा आते रहेगा. पर अगर वहीं मैं सारा का सारा पैसा इस हाउस को दोबारा बनाने में लगा दूंगा, तो फिर मुझे जाके हंटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे बियर डियर इनको मार के वो करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं चाहता. और यहां पर ना भी मुझे बार्न हाउस बनाना है ताकि मैं काउ ला पाऊं, उनको पालूं, उनका मिल्क बेचूं. तो बहुत सारी चीजें बनानी है, बहुत सारा काम करना है, और उसके लिए अपने पास एरिया तो बहुत ज्यादा है पर ढंग का एरिया नहीं है. और इस एरिया को ना ढंग का बनाने के लिए मुझे ग्रास काटने वाली मशीन भी चाहिए होगी. मतलब यार बहुत कुछ करना है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना हम लोग पहले बिल्ड से ज्यादा पैसे कमाने पे फोकस देते हैं. तो अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा स्टोर, और वहां से लेकर आऊंगा थोड़ी बहुत मेल एंड फीमेल पिक, ताकि उनकी ब्रीडिंग करवा के मैं ढेर सारा पैसा कमा पाऊं, क्योंकि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसे मीट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. फिलहाल यहां पर मैं 2 मुर्गियां लाके तो मैंने पाल ली थी, ताकि मुझे इनसे एग वेग मिले, थोड़ा बहुत तो पैसा अपनी जेब में आए. बट अभी तक इन्होंने एक भी एग नहीं दिया है. वैसे मेरी भी एक छोटी सी गलती है, मुझे ना गाइस एक छोटी सी चीज और बनानी पड़ेगी ताकि इनको पानी वानी भी मिलता रहे. तो मुझे यहां पर इनके लिए फीडिंग सिस्टम बनाना है, जिसके अंदर मैं थोड़ा खाना डालूंगा, और एक फीडिंग सिस्टम मेरे को बनाना है पानी के लिए. तो यहां पर तो कोई भी फीडिंग सिस्टम नहीं आ रहा, नीचे चेक करते हैं यहां पे भी. ओके, तो ये है स्मॉल वाटर बाउल, तो ये मुझे बनाना है. इसको मैं कुछ इस तरीके से ना यहीं पर रख देता हूं, ताकि अगर इन्हें पानी पीना हो तो डायरेक्टली पानी पी ले. और दूसरा वाला बना देता हूं इसके अंदर, ताकि इसके अंदर मैं ग्रेन्स डाल पाऊं, अगर इन्हें खाना खाना हो तो इसके अंदर सीधा आके खा ले. दोनों में मेरे को 6 प्लैंक्स लगाने पड़ेंगे. ये प्लैंक हम लोग यहां से उठाते हैं और इसके अंदर यूं लगा देते हैं, बट इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़े बहुत ट्री भी कट करने होंगे ताकि मैं और भी प्लैंक्स बना पाऊं. तो सीधा इस ट्री को हम लोग काट देते हैं. ओके, तो गाइस ट्री को काट के मैंने चॉप कर दिया है, इससे मुझे वुडन लॉक्स मिल चुके हैं. मशीन को पहले करना होगा स्टार्ट, और यहाँ पे लगाना है ये वुडन लॉक. वैसे यार देखो, अगर अपने पास एक मशीन रहेगी ना तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है इसकी कटने का. बट अगर वहीं मैं 4-5 मशीन ला के रख दूं तो खटाईखट में प्लैंक्स बना सकता हूं. अपने पास जितना भी पैसा है ना, आज वो मैं सारा का सारा अपने इन फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करूंगा. सारा पैसा कहीं पर इधर उधर नहीं लगाएंगे. ओके गाइस, तो भी मैंने ढेर सारे प्लैंक्स यहाँ पे बना लिए हैं, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ. अपना फीडर तो कंप्लीट हो चुका है, मुझे अभी ये जो वाटर वाला है ना, वाटर बाउल, इसके अंदर भी थोड़े बहुत प्लैंक डालने. ओके गाइस, तो यहाँ पर मुझे और प्लैंक्स मिल चुके हैं. मशीन मैंने ऑफ कर दी है, क्योंकि इसके अंदर भी फ्यूल डलता है, जो कि हमारे पास ज़्यादा नहीं है. मैं चाहूँ तो और लेकर आ सकता हूँ, बट हाँ खाली बिली उसमें पैसे वेस्ट होंगे. तो यहाँ पर ये मैंने बना दिए 2-2, इसके अंदर वाटर डाल देते हैं, और अभी इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. मैं ये वाला गेट खोल देता हूँ, ये लोग बस बाहर ना जाएं. और अगर मुझे भी और वाटर चाहिए होगा ना, तो मुझे मार्केट से कैंपर खरीद के लाने पड़ेंगे, यानी पानी के जो बोतल होती है वो लेकर आनी पड़ेगी. बट अगर वहीं मैं कुआं यहाँ पर बनवा दूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा. तो जैसा कि मैंने कहा था, हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है, अपने एक नया घर बनाना है, नए वाले घर के लिए गैराज बनाना है, ये सब बात का काम है. बट उससे पहले मुझे बनाना है बार्न हाउस, जहाँ पर मैं अपने एनिमल्स पालूंगा, ताकि उन एनिमल से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलते रहे, और जो पैसे आएंगे उस पैसे को हम लोग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे. और देखो, इतनी सारी चीज़ें बनानी है तो अपने पास एक मस्त एरिया भी होना चाहिए. अपने पास एरिया तो है पर मस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ये ट्री है, कहीं पर ये टूटा हुआ बार्न हाउस है, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है. तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जो अपना घटिया सा घर है ना, इसको हम लोग, घटिया सा नहीं, अपने ग्रैंडपा घर है, हाँ पुराना घर है, इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, जितनी भी फालतू ट्री व्री यहाँ पर लगे हुए हैं, जितना भी कूड़ा कचरा यहाँ पर है ना, वो सारा का सारा मैं पहले साफ करूंगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे.
थोड़े बहुत ट्री है यहाँ पर, उसे भी काटते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस घर को तोड़ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर ये मैंने बाहर से इसे तोड़ा, इसका ये सीढ़ी भी मैंने तोड़ दी, ये वाली वॉल भी। भाई साहब काफी ज्यादा बड़ा घर है पता है, इसको तोड़ने में बहुत टाइम जाने वाला है। अभी तो एक काम करते हैं, पहले टॉप फ्लोर पे चलते हैं, वहां से हम लोग तोड़ते हुए नीचे आएंगे तो शायद काम जल्दी जल्दी होगा। एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना सबसे पहले टॉप फ्लोर पे चलता हूँ, वहां से हम लोग घर को तोड़ते तोड़ते नीचे आएंगे तो शायद अपना जो काम है वो जल्दी जल्दी होगा। बाकी ऊपर जाने की सीढ़ी ओके ये रही, ठीक है। तो गाइस यहां से हम लोग घर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, पहले विंडो, फिर उसके बाद विंडो का ये जो वॉल है वो भी गई, फिर कॉर्नर। ओ तेरी भाई, टॉप फ्लोर काफी जल्दी टूट गया, लेट्स गो। टॉप फ्लोर पूरा टूट चुका है, ये चिमनी रह गई है, ये भी मैंने तोड़ दी। अब बारी है नीचे वाले फ्लोर की, बट ये छोटा सा रह गया, इसको भी हम लोग तोड़ देते हैं। और इस पे मैं मारूंगा ना तो बहुत गंदी तरह गिरने वाला है भाई ये वाला पूरा का पूरा फ्लोर। ओ भाई साहब, सेकंड फ्लोर तो काफी ज्यादा बड़ा था, बट हाँ धीरे धीरे करके मैंने पूरा तोड़ दिया है। अब बस ये ग्राउंड फ्लोर रह गए, इसको भी हम लोग तोड़ देते हैं। ओके गाइस, तो धीरे धीरे करके मैंने पूरा का पूरा घर तोड़ डाला है। यहाँ पे छोटी मोटी चीजें रह गई है, इसको हटाते हैं और ये वाली वॉल को भी हम लोग तोड़ देते हैं। और काफी सारा कूड़ा करकट जो टूट के गिरा है हमें इसे भी रिमूव करना होगा। यहाँ पर भी एक दो पीस ऐसे भी हटाते हैं। अब ये ग्राउंड फ्लोर पूरा टूटेगा, बट उससे पहले मुझे इस फेंस को हटाना है। और अब बारी इस पूरे के पूरे फ्लोर की, लेट्स गो। फाइनली हमने पूरा घर तोड़ दिया है, हमें $750 मिल चुके हैं। और नीचे की तरफ में और भी काफी सारी खराब चीजें हैं, इनको भी मुझे यहाँ से हटाना होगा। और देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा एरिया यहाँ पर खाली हो चुका है, यहाँ पर हम लोग अपना नया घर बनाएंगे। बट हाँ उससे पहले मुझे और भी बाकी एरिया क्लियर करना होगा, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा घर नहीं बनाने वाला हूँ इस बारी। लास्ट टाइम हमने बहुत छोटा घर बनाया था, बट इस टाइम मैं बहुत बड़ा घर बनाने की सोच रहा हूँ। तो जितने भी ट्री हैं ये सारे के सारे यहाँ से हटा देते हैं। तो ये रहा बड़ा वाला ट्री, मुझे बस से कट करना है और चॉप करना है, और ये हमें मिल गई ढेर सारी वुडन लॉग्स। और यार वैसे देखते ही देखते ना काफी डेंजरस बारिश वाला मौसम यहाँ पे हो चुका है। तो गाइस एक बारी अगल बगल देखो मैंने कितने सारे ट्री कट करके गिरा दिए हैं, अब मुझे इनसे ढेर सारे वुडन लॉग्स प्यार से मिल जाएंगे। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ ना कि मुझे एक स्टोरेज रूम बना लेना चाहिए, क्योंकि अपने पास काफी सारे वुडन लॉग्स इकट्ठे हो चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये कि ना ये सारे के सारे इधर उधर फैल रखे हैं इस जंगल में, तो मैं इन सबको इकट्ठा करके लाके उसी स्टोरेज रूम में रख दूंगा, ताकि मुझे कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो मैं डायरेक्टली इस रूम में जाके अपनी गाड़ी में भर के ले आऊं और मुझे जो बनाना है मैं इजिली बना पाऊं। और उसके अंदर हम लोग बाकी एक्स्ट्रा सामान जैसे कि खाना वाना होता है अपने पेट्स के लिए, तो वो भी सब मैं वहां पे रख सकता हूं। भाई साहब अभी तो इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका है कि मुझे टॉर्च जला के काम करना पड़ रहा है। मैंने काफी सारे ट्री कट कर दिए, बाकी काम कल करेंगे, क्योंकि सामने एक बारी मौसम देखो कैसा हो रहा है, पता चला कोई डेंजरस एनिमल आके हमें खा जाए। मुझे यार चलकर सोना चाहिए, मेरा स्लीपिंग बैग वहीं कहीं सामने पड़ा हुआ है। हां तो ये रहा, जल्दी से गाइस हम लोग इसके अंदर सो जाते हैं। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूं कि लास्ट नाइट मैंने कितने सारे ट्री कट करे थे। एक बारी सामने की तरफ में देखो, पूरा का पूरा एरिया खाली हो चुका है, वहां पर बस वुडन लॉग्स ही गिरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ना मुझे अभी मार्केट जाना चाहिए और वहां से ना कुछ इंपॉर्टेंट सामान मुझे खरीद के लाना है। सबसे पहले तो अपने चिकन्स के लिए खाना लेकर आना है, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पिग भी हम लोग लेकर आते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा पाए, उनको खिला पिला के बड़ा करेंगे और फिर उन्हें मार के बेच के आएंगे। तो चलते हैं सीधा अभी स्टोर पे। वैसे गाइस अभी ना अच्छी बात ये है कि ये जो स्टोर है ना ये अपने रेंच के काफी ज्यादा पास में आ चुका है, बट हाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आने का ना कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी पहाड़ टपा टपा के यहाँ लानी पड़ी है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा, अब चलते हैं एक बारी अंदर। शायद से पिक का जो प्राइस है वो $300, ओके। तो मुझे एक मेल पिग लेना है और एक फीमेल पिग लेना है, ताकि ब्रीडिंग करे और एक बेबी आए, फिर हम लोग मेल वाले को मार के बेच देंगे और दूसरे वाले को बड़ा करेंगे, फिर ऐसे अपना बिजनेस चलते रहेगा। इनके लिए ढेर सारा मैंने खाना भी खरीद लिया है, और अभी इसकी पेमेंट करके यहाँ से निकलते हैं। हाँ तो गाइस मैंने एक वाटर टैंक भी ले लिया है अपने लिए, क्योंकि पानी के लिए अपने पास अभी कोई भी सोर्स नहीं है अपने रेंच में। मुझे वहाँ पर एक वेल बनाना पड़ेगा, या फिर जो पुराना वाला वेल है ना उसे रिपेयर करना होगा। तो अभी पिक को उठाता हूँ, गाड़ी में बैठाता हूँ, आ जा भाई। अगर ये इधर उधर भाग गए ना तो इनको पकड़ के लाना मुश्किल हो जाएगा। चल भाई जल्दी से इसके अंदर चढ़, दूसरे वाले को भी ले आते हैं। ओके गाइस ये दूसरा वाला पिक कसम से काफी ज्यादा शरारती है, इधर उधर भागने में लगा हुआ था, बट हाँ इसको भी जैसे जैसे करके मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। अभी मुझे ना जो बाकी सामान मैंने खरीदा है, जैसे ये वाटर टैंक हो गया, और साथ ही ये जो अपने अबे यार इसको मैं यहाँ पे रख ही नहीं पा रहा हूँ, अपने पास एरिया नहीं है। दोनों पिग भले ही छोटे छोटे हैं बट अपने पास एरिया नहीं बचा। क्या मैं इसको इसके ऊपर रखवा सकता हूँ? ओके 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 लेट्स गो। भाई मैंने बैग ऑफ फीड भाई इनके पीठ के ऊपर रखवा दिया, बट टेंशन नहीं है, तुम ही खाने वाले हो घर पे चल के, ठीक है ना? तो ऐसा टेंशन मत करना कि भाई मेरे ऊपर लोड डाल दिया। ओके तो दो के दो बैग मैंने वहाँ पर रख दिए। काश अब अपना वाटर टैंक मैं रख पाऊँ,
नहीं यार, स्पेस तो अभी भी अपने पास नहीं हुआ, मैं अपना वाटर टैंक इधर नहीं रख सकता, मैं इसे वापस बेच देता हूँ, ये अपने किसी भी काम नहीं आएगा, हम लोग ले जा तो सकते हैं नहीं, मुझे जाना है असल में। भाई साहब $30 का मैंने खरीदा था और ये देखो हाफ से भी कम प्राइस में बिक रहा है, $2 दे रहे हैं मेरे को। ब्रांड तो भैया मैं नहीं बेच रहा, मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ घर, एक और राउंड लगाऊंगा और इसे लेकर जाऊंगा, बट मैं इसके कम पैसे नहीं लेने वाला। ओके गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेके अपने रेंच पे वापस पहुंच चुका हूं। मुझे ना यहाँ पे एक बढ़िया सा रास्ता भी बनाना पड़ेगा ताकि मैं इजीली वहाँ पे जा पाऊँ। तो भी एक काम करता हूँ कि अपने ये जो पिग है ना, इनको गाड़ी पे बैठे रहने देते हैं। सबसे पहले मुझे ना इनके लिए एकदम मस्त एरिया बनाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, ये तो किसी काम नहीं आने वाली, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया ढंग का बनाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये किस काम आने वाले हैं, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स। इधर एक पैन टूट के गिरा हुआ है, कितना सारा कूड़ा करकट है, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ पड़ी हुई है। इन सबको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, हम लोग दोबारा से नया बनाएंगे सब कुछ, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से। बट अभी नहीं, उसके लिए हमें ढेर सारी वुड चाहिए होगी। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने पिक के लिए जो घर है वो यहीं पे बनाना चाहिए। तो एरिया हम लोग क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर ये जितनी भी फालतू ट्री हैं इन सबको मैं कट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका है, ट्री कट करके मुझे ढेर सारे वुडन लॉक्स भी मिल चुके हैं। अब बारी आती है बिल्ड करने की। तो गाइस मुझे ये वाला वुड फेंस बनाना है और मैं यहाँ पे एक वेल भी बना सकता हूँ। तो गाइस इस वेल से हमारे पास वाटर की कोई भी कमी नहीं होगी, तो मैं इस वेल को यहीं पे बना देता हूँ। और इस वेल में क्या क्या लगेगा, 6 वुड प्लैंक लगने हैं बट 50 कॉन्क्रीट लगने हैं, और कॉन्क्रीट शायद हार्डवेयर स्टोर पे मिलेंगे और मेरे हिसाब से वो थोड़े बहुत महंगे होंगे, क्योंकि हमें 50 kg कॉन्क्रीट इसके अंदर डालना है, तभी जाकर ये वेल काम करेगा, इसमें से पानी मिलेगा। बट उससे पहले हमें पानी नहीं मिलने वाला, बट इसको छोड़ो, इसको हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। अभी मैं यहाँ पर ना विक वुडन फेंस इस तरीके से लगाता हूँ जिसके अंदर मुझे अपने पिक को रखना है। तो अभी मैं इसको बहुत छोटे लेवल पे बना रहा हूँ, बाद में हम लोग इसे ना अच्छे से बनाएंगे, टेम्प्रेरी से ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी मुझे ना जल्दी जल्दी पिक को अपने ट्रक से उतार के उन्हें खाना पीना खिलाना है। उनसे जब ब्रीडिंग होगी थोड़ा बहुत पैसा आएगा, हम लोग उसे रेस्टोरेंट में ले जाके बेचेंगे जब अपनी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। और ये है अपना वुडन फेंस गेट, इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इन सभी के अंदर मुझे प्लैंक 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 ला के भरने हैं, तभी ये पूरा कंप्लीट होगा। अभी बस ये ब्लूप्रिंट है। गाइस एक बारी ना आप लोग चारों तरफ देखो, आपको बस वुडन लॉक्स ही वुडन लॉक्स नजर आने वाले हैं। फुल डिफोरेस्टेशन यहाँ पे चल रहा है, कोई बात नहीं, काफी सारी चीजें अगर हम कट कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ बढ़िया बढ़िया यहाँ पे बनाने भी वाले हैं। वैसे काफी सारे वुडन लॉक्स से मैंने वुडन प्लैंक्स बना लिए हैं और जल्दी जल्दी से मुझे इसे यहाँ पे लगाना है। एक फेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ से उठा है वुडन प्लैंक, इसको मैंने लगा दिया इस वाले फेंस पे, और सब में 7-7 लगने हैं तभी वो पूरे कंप्लीट होंगे। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पर अपना एक मस्त एरिया कंप्लीट हो चुका है। अपनी मशीन को मैंने ऑफ कर दिया है, अब मुझे अपने पिक को लेकर आना है और इसके अंदर रखना है। बट मैं सोच रहा हूँ कि ना पिक को अगर मैं उतार के ले जाऊंगा तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को ही हम लोग अंदर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से मैं गाड़ी ला चुका हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ना घुमा के लानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, और गेट भी मुझे खोलना पड़ेगा गाड़ी से उतर के। बट कोई नहीं, अगर इस तरीके से पिक अंदर जाएंगे ना तो भागने वागने की टेंशन नहीं होगी। ये वाला खोला गेट, और ये वाला गेट भी मुझे खोलना पड़ेगा, एक गेट से गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। उतरी, ये कैसे उतर गया इधर, तेरी ऐसी की तैसी, तू वहाँ का जा रहा है भाई, ये देख रहे हो। अच्छा है कि मैंने इन्हें वहाँ पे नहीं उतारा, वरना तो ये कहाँ ही भाग जाता। अंदर बैठ चुपचाप से, यहाँ पर अभी तेरे लिए मैं खाना वाना सब कुछ ला रहा हूँ, टेंशन मत कर दो, ठीक है। गेट बंद यार, गेट खोलूंगा भाग जाएगा, ठीक है आराम से मुझे अपनी गाड़ी अंदर करनी है, जल्दी जल्दी जल्दी। वो बाहर चला गया यार, वो बड़ा शरारती पिग है। इधर तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ जा रहा है, अंदर चल भाई, कहाँ जाना चाहता है ये, इधर आ जा, तू पूरी जिंदगी भर यहीं रहने वाला है, एक बारी अंदर आ जाए ना बस। गेट बंद, लेट्स गो। अब शायद ये यहाँ से किसी कीमत पे बाहर ना निकलेगी। ये कहाँ चढ़ गया यार, इसके अलग ड्रामे हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने इन दोनों पिक को गाड़ी से नीचे उतार दिया है, और जो मैं यहाँ पर इनके लिए फूड बैग लाया था वो भी मैंने खोल के यहीं पर ड्रॉप कर दिया, ताकि अपना खाते पीते रहे, इनको खाने की कोई भी कमी ना पड़े। अब मुझे इनके लिए ना पानी का जुगाड़ करना है कहीं ना कहीं से, तो मुझे जाना होगा बिल्ड में। मुझे इनके लिए ना दो बनाने पड़ेंगे, इनको क्या कहते हैं, बाउल, हाँ, एक वाटर बाउल बनाना है और एक स्मॉल फूड वाला मेरे को बाउल यहाँ पे बनाना है। तो इसको, अरे तुम हटो तो यार, पूरे में घूमे जा रहे हैं, रुक जाओ, इनके लिए अच्छा सा स्पेस ढूंढना होगा। हाँ, यहाँ पे रखते हैं। इसी के अंदर मुझे ना पहले प्लैंक्स ला के लगाने हैं, इसके अंदर 6 वुड प्लैंक्स लगने हैं, और फूड के लिए तो मैं इनका खाना जमीन पे ही डाल दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मेरे पास यहाँ पर पड़े हैं ढेर सारे वुड प्लैंक्स, तो 3 एक बार में कैरी हो गए हैं, मुझे इसे यहाँ पर लगाना है, 1, 2 और ये वेट 3, ठीक है। तो ये लग चुके हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा वुड प्लैंक्स मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पे लगाने के लिए। ये भी लगाया, लेट्स गो, ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसके अंदर मुझे पानी डालना है, बट पानी तो अपने पास है ही नहीं ना,
मैं वाटर बकेट लेके अंदर क्यों जा रहा हूँ? वैसे गाइस अपने पास ना शायद से एक वाटर टैंक सामने वाले बांध में भी पड़ा हुआ है। जल्दी से हम लोग चल के देखते हैं कि क्या उसके अंदर वाटर है या फिर वो खाली है। अगर वाटर हुआ तो अपनी पिक को आज पानी मिल जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे लगाया है और चेक करते हैं एक बार। ओ वेट, इसके अंदर वाटर भरना स्टार्ट हो गया है। लेट्स गो, अभी जल्दी से ना गाइस हम लोग इसे लेकर चलते हैं। पता नहीं यार ये वाटर टैंक इसमें कितने लीटर पानी है और ये कब खाली होगा, बट हाँ मुझे इतना पता है कि एक बार में 7 लीटर वाटर में डालना पड़ता स्मॉल बाउल में। तो अभी फटाफट से मैं इसमें पानी डाल देता हूं। लो भाई अभी तुम्हारे पास खाना भी है, तुम्हारे पास पानी भी है, जल्दी से खा पी के बड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें बेच के आऊं जल्दी से जल्दी मार के। ओके गाइस, नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट में सारा काम खत्म करके जल्दी से सो गया था। अब आप लोग सोच रहे हो कि कौन सा काम? तो यार देखो, हमें ना इस कुएं को, मींस इस वेल को ना जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करना होगा। तो मैंने रात भर ना ढेर सारे प्लैंक्स यहां पर बना दिए थे। इसके अंदर 6 प्लैंक लगने हैं और अभी ना हमें जल्दी से जल्दी मार्केट जाना है कॉन्क्रीट खरीदने के, क्योंकि अगर हम लोग बार बार ही वाटर टैंक से वाटर लाएंगे ना तो अपने पास यार पानी की कमी पड़ती ही रहेगी और हमें बार बार उसमें पैसा खर्चना पड़ेगा। बट अगर हमने एक बार ही वेल बना लिया ना तो अपने पास अनलिमिटेड वाटर हो जाएगा। तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी उठाते हैं और फटाफट से हम लोग चलते हैं हार्डवेयर स्टोर पे। ओ तेरी, मैं गेट खोल रहा था ताकि मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालूं। मुझे भाई जल्दी से गाड़ी बाहर निकालनी है ताकि अपने पिक ना आ जाए। बंद 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 बंद। ओके तुम यहीं पर बैठो ठीक है ना, यहाँ तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं हार्डवेयर स्टोर पे। और जनरल स्टोर से भी मैं सोच रहा हूँ कि यार नहीं, पहले हार्डवेयर स्टोर ही चलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेल को अभी के अभी मैं बना डालूंगा, ज़्यादा दूर नहीं हार्डवेयर स्टोर। जल्दी से गाड़ी भगाते हैं, मुझे पता नहीं है कि आखिर 50 कॉन्क्रीट कितने का आने वाला है। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा तो है, शायद उतने में आ जाए। तो गाइस अभी ना पता नहीं कौन से रास्ते से अपनी गाड़ी में टेढ़ी मेढ़ी घुमाता हुआ पहुंच चुका हूँ हार्डवेयर स्टोर पे। तो अभी एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को ना हम लोग यहीं पे पार्क करते हैं और चलते हैं सीधा अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट सामान है जो कि हमें खरीद के लिए जाना है। बड़े बड़े ट्रक हैं ग्रास काटने के लिए, पर अभी अपने पास इतना पैसा नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें खरीद के पहले छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लेना है कॉन्क्रीट, 50 kg बैग हमें मिल रहा है $250 का और हमारे पास है 375, तो हम लोग एक बैग ले सकते हैं। अब अपना वेल तो बन जाएगा। यहाँ पे चीप टेबल सो है, इसका रेट देखो $200 की है। वे वुड कटर वाली मशीन है जिससे हमें प्लैंक मिलते हैं। नहीं भाई अपने पास इतना पैसा नहीं है, $750 की लग्जरी वाली है। यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मुझे लेनी है। कि स्टील बकेट ले लूँ क्या? $8 की है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी पेमेंट कर देते हैं, लेट्स गो। अब इसका जो सामान मिला है मुझे अपने ट्रक में, मीन्स अपनी छोटी गाड़ी में लोड कराना है और जल्दी से हमें निकलना है सीधा घर के लिए। तो सामने की तरफ में देखो भाई, अपने एनिमल्स की हेल्थ हमें यहाँ तक दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मौसम हो रहा है बाहर। जल्दी से भाई इसको उठाओ। क्या मैं अपनी गाड़ी अंदर नहीं लेकर आ सकता क्या? ओके, तो 50 kg का बैग हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये रही अपनी स्टील बकेट, इसको भी मैं साइड में रखवा देता हूँ। और अभी हम लोग जल्दी से निकलते हैं सीधा जनरल स्टोर के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भैंस की, ये क्या हो रहा है भाई, इतनी ज़्यादा डेंजरस बिजली कड़क रही है, मैं क्या बताऊँ। तो हाँ गाइस, मुझे अभी ना काफ़ी सारा खाना लेना है अपने एनिमल्स के लिए। तो ये आ गए हम लोग जनरल स्टोर पे। यहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी रोकनी है, कुछ पुराना सामान भी यहाँ पर गिरा हुआ है जैसे कि अपना वाटर टैंक हो गया और एक बैग ऑफ फीड, वो मुझे लेना है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाय पे, मुझे लेने हैं ढेर सारे बैग ऑफ फीड। ओके गाइस, जैसे तैसे करके मैंने सारा सामान इस गाड़ी पे लोड कर दिया है, वाटर टैंक के ऊपर वाटर बकेट और यहाँ पे बैग ऑफ फीड। लेट्स गो, इसे करते हैं बंद, जल्दी से अपनी गाड़ी लेके चलते हैं घर पे। ओके ओके ओके, पहुंच गए हम लोग घर, सारा सामान उतारते हैं। तो ये बैग ऑफ फीड नीचे, ये बैग ऑफ फीड नीचे, ये भी नीचे और ये 50 kg का कॉन्क्रीट हम लोग लगा देते हैं वेल पे। और फाइनली हमारे पास अब अनलिमिटेड वाटर भी हो चुका है। पर हाँ ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, तो हमें जब भी अपने एनिमल्स को वाटर देना है तो हमें खुद यहाँ पर बकेट को वेल में डालना है, फिर उसके बाद इस रोलर को, मींस इस लीवर को गोल गोल घुमाना, लीवर तो नहीं कहेंगे इसे, पर हाँ इसके अंदर हमें 7 लीटर वाटर डालना है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब मुझे स्मॉल फूड बाउल अपने चिकन्स और अपने पिग के लिए बना लेने चाहिए। ये थोड़ा बड़े वाला है जिसमें 15 प्लैंक लगने हैं, बट फिलहाल छोटे वाला ही बनाते हैं क्योंकि अपने पास वुड की कमी नहीं है। बट हाँ हमारे पास जो मशीन है ना उसमें फ्यूल खत्म हो चुका है, तो एक मुझे ये रखना है यहाँ पे। ये मैंने रख दिया अपने चिकन के लिए और अभी मुझे एक रखना है अपने पिग के लिए ब्लूप्रिंट,
यहाँ पर दोनों के लिए हो चुका। अब इसके अंदर मुझे लेकर लाने हैं वुडन प्लैंक्स, लगाने हैं इसके अंदर, लगा दिए ढेर सारे वुडन प्लैंक्स, ये हो गया कंप्लीट। इसके अंदर डाल देते हैं खाना, अब ये आराम से खाना खाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये दूसरा वाला भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर भी हम लोग ले जाकर फूड डालते हैं, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर इनके लिए फूड। तो गाइस अब सब कुछ एकदम मस्त हो चुका है, हमारे पिग भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से रहेंगे, इनके पास पानी भी हो चुका है, खाना भी हो चुका है, और सेम टू सेम हमारे चिकन्स भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से रहेंगे। मैं यार एग इनके ले जाना भूल गया, मैं मार्केट में से बेच के पैसे कमा सकता था, बट कोई नहीं, वो मैं बाद में भी बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रेट हमें उतना ही मिलना है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और मुझे कमेंट्स में जाके ना प्रो टिप्स जरूर बताना कि क्या क्या करके मैं इस गेम में जल्दी से जल्दी अमीर बनूं। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे वो जो रेड वाला सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, उसे जल्दी से दबा दो। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। Yeah.